अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था लायंस क्लब की कुरुक्षेत्र टीम की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह पिपली रोड स्थित होटल सैफ्रॉन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया। नई टीम के प्रधान पद के लिए दीपक चोपड़ा, सचिव पद के लिए आशीष मल्होत्रा और कोषाध्यक्ष पद के लिए विशाल शर्मा ने शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीजी लायन वीरेंद्र मेहता ने भाग लिया। उनके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में लायंस क्लब इंटरनेशनल के वरिष्ठ पदाधिकारियों विनय गर्ग, रमन गुप्ता, दिनेश दीपक जोशी, रवि मेहरा, चमनलाल बंसल, भारत भूषण दुआ, विनीत गोयल, गुरचरण घई, सुभाष बत्रा, कुलदीप पुठियाला, दिनेश बत्रा आदि मेहमानों ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान अश्विनी अरोड़ा ने बीते वर्ष उनके नेतृत्व में लायंस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा किए गए तमाम जनहित कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि वीरेंद्र मेहता ने नई टीम को बधाई देते हुए अधिक से अधिक समाजहित कार्यों को एकजुट होकर करने के लिए सभी सदस्यों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी विशिष्ट अतिथियों ने भी लायंस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा लगातार जारी जनहित कार्यों की सराहना करते हुए नई टीम से भी आह्वान किया कि वे सबको साथ लेकर अधिक से अधिक सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। नवनियुक्त प्रधान दीपक चोपड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह पूरी निष्ठा और लगन के साथ क्लब के सभी सदस्यों के सहयोग से लायंस क्लब कुरुक्षेत्र को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। बता दें, लायंस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पूर्व मुख्य अतिथि डीजी लायन वीरेंद्र मेहता के नेतृत्व में 7 सामाजिक प्रोजेक्ट किए गए। इनमें संस्था के अनेक सदस्यों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इन प्रोजेक्टों में रेलवे रोड पर एक वाटर कूलर स्थापित करवाया गया, रतगल और वार्ड 18 में स्थित स्वर्गधाम के लिए 12 बेंच भेंट किए गए, लाइन चौक के सौंदर्यकरण के बाद चौक का अनावरण भी किया गया। वहीं होटल सैफ्रॉन में पौधारोपण कार्यक्रम के आयोजन किया गया। लायंस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा एक बच्ची के आंखों के ऑपरेशन हेतु आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया। वहीं जरूरतमंदों की मदद हेतु 2 व्हील चेयर भी भेंट की गई। इसी प्रकार रतगल के सरकारी स्कूल में 10 पंखे भी भेंट किए गए। बता दें, लायंस क्लब कुरुक्षेत्र के नए सत्र में लायंस क्लब कुरुक्षेत्र के साथ 40 नए और परिवार भी जुड़ गए हैं। लायंस क्लब की नई टीम के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का मंच संचालन धीरज गुलाटी और पूर्णिमा मल्होत्रा ने किया। कार्यक्रम में लायंस क्लब कुरुक्षेत्र के सभी सदस्य परिवार सहित शामिल हुए। जी सर, आज इंस्टॉलेशन 2022-23 की है, जो इसके लिए मैं सारी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस मौके पर बाहर से आए जो हमारे क्लब के सदस्य हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और जो एक मुहिम प्रधान दीपक चोपड़ा जी के नेतृत्व में हमने शुरू की है, आगाज़ किया है 2022-23 का, हम इसको एक अच्छे तौर पे पेश करेंगे। जितना देश सेवा का, धर्म सेवा और जो भी समाज की सेवा होगी हम वो अच्छे तरीके से करेंगे और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। दीपक चोपड़ा लायंस क्लब कुरुक्षेत्र का प्रेजिडेंट 2022-23 का मुझे चुना गया है और आज हमारी लायंस की परंपरा है कि इंस्टॉलेशन होती है तो उसके मुताबिक आज हमारी इंस्टॉलेशन है और आज इंस्टॉलेशन पे हमने अपनी टीम को और बढ़ाया है। हमने क्लब में 40 मेंबर और इंक्रीज़ किए हैं इसमें और हमने आज जो प्रोजेक्ट किए हैं वो भी हमने 2 बच्चों को व्हील चेयर दी है और 1 बच्चे की आंखों के ऑपरेशन के लिए पेमेंट पैसे दिए हैं और 1 हमने वाटर कूलर लगाया है यहाँ पर शहर के लिए पानी के पीने के लिए। उसके बाद हमने लायंस क्लब जो हमारा चौक है, लायंस क्लब का चौक है, उसको हमने रेनोवेशन करके उसको सुंदर किया है और 15-20 बेंचेस हमने स्वर्ग आश्रम में दिए हैं और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हम और भी आगे करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे को कोई नीडी व्यक्ति मिलता रहेगा हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आगे करते रहेंगे। अगर नए मेंबर्स की बात करें तो सर कितने मेंबर्स हैं इस वर्ष हमारे क्लब में? 40 मेंबर हमारे क्लब में ऐड हुए हैं और अभी और भी आ रहे हैं इस मेंबर बनने के लिए और बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं वो सभी मेंबर हमारा इस क्लब में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? देखिए, आज का जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पर लायंस क्लब कहते कुरुक्षेत्र के इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई है जिसमें नए प्रेसिडेंट दीपक चोपड़ा जी को और उनकी पूरी टीम को आज इंस्टॉल किया गया है। देखिए, लायंस क्लब में एक जो प्रथा है हमारी, हम बींग ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लायंस वीरेंद्र मेहता, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है दिल्ली से लेकर और हिमाचल तक, शिमला तक बना हुआ है जिसमें पूरी जीटी रोड की बेल्ट है हमारी हरियाणा की और कुछ पार्ट हिमाचल का है। तो इसमें हमारी 150 क्लब्स हैं जो कि जगह जगह ऐसा समाज के सेवा के कार्य करते हैं।
जो अगर मैं कहना चाहूँ कि लॉयंस क्लब कुरुक्षेत्रा जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की बहुत अग्रणी क्लब है और बहुत अच्छा कार्य करती रहती है, जैसे आज भी इन्होंने एक वाटर कूलर का इनोग्रेशन हमने किया मैंने वहाँ के मार्केट में, और जो यहाँ पर लॉयंस क्लब कुरुक्षेत्रा द्वारा चौक बनाया गया है एक बहुत काबिल तारीफ है। लॉयंस क्लब कुरुक्षेत्रा एक जो हमारे वी सर्व का हमारा मोटिव है उसको एक पूरा बहुत पूरा कर दिया कार्य है, और जैसे इसके साथ साथ आज उन्होंने बेंच भी लगाए गए जो कि वो बेंच शमशान घाट में लगाएंगे और पार्कों में लगाएंगे ताकि लोगों की सुविधा का इसको एंजॉय कर पाएँ वो। और पिछले वर्ष लॉयंस क्लब कुरुक्षेत्रा द्वारा उन बच्चों को चुना गया जो बच्चे बहुत गरीब थे लेकिन वो उनमें एक जोश था और वो कुछ करने की तमन्ना रखते थे। मुझे भी पिछले वर्ष उन बच्चों से मिलने का मौका मिला, उन बच्चों को मिलकर मुझे खुद हैरानी हो रही थी इस बात की कि उन बच्चों में जोश और जज्बा था, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। उनके जो हमने मोटिव देखे हैं, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, कोई बच्चा उनमें इंजीनियर बनना चाहता था, कोई IAS ऑफिसर भी बनना चाहता था, और हमारे लॉयंस क्लब कुरुक्षेत्रा द्वारा उनको बहुत प्रोत्साहन किया गया है ताकि, और उनको जो फीस की कमी रहती है उनको फीस की कमी से कोई बच्चा अपनी पढ़ाई ना छोड़ सके, उन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया गया है। सर अगर मेंबर्स की बात करें कितने मेंबर्स आज ऐड हुए? आज लॉयंस क्लब कुरुक्षेत्रा द्वारा 40 मेंबर ऐड किए गए हैं। ये दीपक चिप जी हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बल्कि जो लॉयनिज्म का सच्ची सेवा कार्य होती है वो लॉयंस क्लब कुरुक्षेत्रा द्वारा दीपक जी द्वारा की जा रही है। और हमारा जो मेन उद्देश्य है गरीबों की, जो कुछ हमारे से समाज में रहते वो कुछ जिन जो हमारे से कम जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन हम ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा कार्य कर रहे हैं ताकि समाज में हमारे लॉयंस क्लब की एक अच्छी छवि हो।